हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप मैक्सिको कैसे जा सकते हैं ओनली 6 से 7 लाख रुपए में। तो यार मैं सही बता रहा हूँ, आप मैक्सिको जा सकते हैं 6 से 7 लाख रुपए में। तो कैसे जा सकते हैं आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो US से जाना चाहती है, उनके पास इंडिया में इतना पैसा नहीं वो कह सकते इन्वेस्ट कर सकते, इतना पैसा वो नहीं लगा सकते जाने के लिए। जैसे इंडिया से जो आजकल जो प्राइस है वो है 35 से 40 लाख रुपए। और जो आज की वीडियो में मैं जो कह सकते हैं ट्रिक, एक रास्ता बताने वाला हूँ, तो इस रास्ते से आप US से जा सकते हैं वो भी ओनली 6 से 7 लाख रुपए में या 8 लाख रुपए में। तो ये देख सकते हैं आज मैं आया हूँ यहाँ पर बीच में, ये जो इटली के बीच है, ब्यूटीफुल बीच है। तो ये मेरा घर जो है बैक साइड में है, तो उस साइड है मेरा घर। तो यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर ये बीच है। जब भी कह सकते हैं मौसम धूप निकलती है तो मैं यहाँ पर कह सकते हैं वॉकिंग करने के लिए निकलता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपलोड की जाए। तो जैसे कि मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था भी आप US से कैसे जा सकते हैं वाया स्पेन, तो डोंकी लगाकर, तो जो 14 से 15 लाख रुपये में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप 6 से 7 लाख रुपये में US से कैसे जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, उस साइड बीच है तो उस साइड भी बीच है। तो यहाँ पर बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, जहाँ पे घर है यहाँ पर उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं, जिससे कि जो विंटर में जो पानी है समुंदर है, जब इसका पानी हवाएं तेज चलती हैं तो घरों को नुकसान ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आप सबसे ऊँचे पत्थर पर आया हूँ, तो नीचे आप देख सकते हैं ये बीच है। और बैक साइड में कुछ कंट्रीज हैं, जैसे आप कह सकते हैं माल्टा हो गई, तो उस समुंदर के पार, तो कुछ अरब कंट्री हैं, तो वो सामने वो भी इटली का हिस्सा है जो बीच में समुंदर है 8 से 9 किलोमीटर का। जी आपने सही सुना, अगर आप US से जाना चाहते हैं 6 से 7 लाख रुपए में तो आप कैसे जा सकते हैं। अगर आप US से 6 से 7 लाख रुपए में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कह सकते हैं इंडिया से आप यूरोप में आप डोंकी के बेस पर या टूरिस्ट बेस पर आएँ। अगर आप डोंकी लगाकर यूरोप में आते हैं तो आपका जो कॉस्ट आता है टोटली वो आता है 6 से 7 लाख रुपए। तो जब भी आप यूरोप में एंट्री करते हैं तो आप पुर्तगाल में जाएँ, तो पुर्तगाल में जाने के बाद आप वहाँ का जो रेजिडेंसी कार्ड है, जो TRC कार्ड है, तो वो आप अप्लाई करें। वो विद इन आपको 1 से 1.5 साल में आपको प्रोवाइड कर देती है वहाँ की गवर्नमेंट, अगर आप वहाँ के जो रूल फॉलो करते हैं, अगर आप वहाँ पर लीगल एंट्री करते हैं। तो जब आपकी वहाँ पर लीगल एंट्री हो जाती है, आप TRC कार्ड अप्लाई कर देते हैं, तो 1 से 1.5 साल के बाद आपको जो वहाँ का जो TRC कार्ड है 2 साल का वो प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट टाइम। तो जब आप वहाँ का जो TRC कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप उस कार्ड पर आप विदाउट वीज़ा मैक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। जी आपने सही सुना, आप उस कार्ड पर विदाउट वीज़ा मैक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। तो सिर्फ उनकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कह सकते हैं आपको विदाउट वीज़ा आप मैक्सिको जाते हैं तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पर भी आपको जो वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं 50-50% चांस है कुछ लोगों का वहाँ पर मैक्सिको जाने के बाद वहाँ पर एंट्री मिल जाती है, तो कुछ लोगों को वो एंट्री नहीं देते। तो वो डिपेंड करता है आप पर, आपने पहले कुछ कंट्री ट्रैवल की हुई हैं। अगर आपके पास पुर्तगाल का TRC कार्ड है, आपने 3-4 कंट्री ट्रैवल करके, 3-4 कंट्री या छोटी छोटी कंट्री भी आपने ट्रैवल की हैं, UAE या कह सकते हैं ब्राज़ील, जहाँ कह सकती हैं अनदर कंट्री का जो वीज़ा आपने लिया हुआ है, आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है, तो आपको मैक्सिको की एंट्री मिलना कोई इतना कठिन नहीं है, आप मैक्सिको में एंट्री कर सकती हैं। इसमें अगर हम टोटली कॉस्ट की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपये में आप इंडिया से कह सकते हैं पुर्तगाल, तो उसके बाद आप वहाँ का जो TRC कार्ड अप्लाई करते हैं, और जो वहाँ का खर्चा है वो तो आप वहाँ पर जॉब भी करते हैं तो वो साथ में आपका निकलता रहता है जो सैलरी में से। तो कह सकते हैं 6 से 7 लाख रुपए में अगर आप यूरोप में आते हैं पुर्तगाल का TRC कार्ड लेते हैं, तो आफ्टर कह सकते हैं TRC कार्ड मिलने के बाद 2 साल का, तो आप विदाउट वीज़ा आप मैक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें आपको टोटली कॉस्ट की बात करें तो USA तक, तो वो तकरीबन आपका 6 से 7 लाख रुपए इंडिया से, तो 1 से 1.5 लाख रुपए अगर मैक्सिको का खर्चा लगा लीजिए, तो टोटल आप कह सकते हैं 8 से 9 लाख रुपए में आप मैक्सिको जा सकते हैं। तो ये तो आप लोग जानती हैं, तो मैक्सिको से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करना काफ़ी आसान है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी वहाँ पर एजेंट से बात करके आप कर सकते हैं। बट अगर आप मैक्सिको तक जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट रूट है, सेफ़ रूट है, आपको किसी भी डोंकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जंगलों में से होकर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कह सकते हैं बाय फ्लाइट आप मैक्सिको जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिन लोगों के पास इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 35 से 40 लाख रुपए लगाने का कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं, उनके पास पैसा नहीं है और वो अमेरिका जाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट रूट है। तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए में वो मैक्सिको तक जा सकते हैं, और मैक्सिको के आगे वो बॉर्डर क्रॉस करके वो अमेरिका में कह सकते हैं एंट्री कर सकते हैं।
तो मैं इस चैनल पर मैं जो है ब्लॉगिंग और कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आप तक अनदर वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।